हेल्दी कंपटीशन से निखर सकता है आपका बच्चा, जानिए कैसे सिखाएं उनको ऐसे गुण। आज का जमाना कंपटीशन का है। बचपन में घर में बड़े भाई बहनों से लेकर स्कूल के साथियों, यहाँ तक कि बड़े होने के बाद ऑफिस में कलीग्स के साथ काम करते हुए हमें कई बार कंपटीशन मिलते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए कि प्रतिस्पर्धा हमारे रोज़मर्रा के जीवन का एक हिस्सा है और इसलिए इसे गलत नहीं समझना चाहिए। अगर प्रतिस्पर्धा को एक सकारात्मक रूप में लिया जाए तो यह व्यक्ति के कई गुणों का संचार करती है और हर एक प्रतिस्पर्धा उससे पहले बेहतर इंसान बनाती है। वहीं अगर कंपटीशन को नकारात्मक रूप में लिया जाए तो वह जलन, तनाव और नकारात्मक का कारण बन सकती है। इसलिए यह बेहद ज़रूरी है कि बच्चों को बचपन से ही हेल्दी कंपटीशन के बारे में बताया और सिखाया जाए। यह जिम्मेदारी पेरेंट्स की है। अब सवाल यह उठता है कि प्रतिस्पर्धा के प्रति बच्चों के मन में सकारात्मक दृष्टिकोण किस तरह विकसित किया जाए और उन्हें हेल्दी कंपटीशन करना किस तरह सिखाया जाए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब दे रहे हैं कि कैसे इस कंपटीशन करना सिखाते हैं बच्चों को। कंपटीशन को सकारात्मक रूप देने के लिए सबसे पहले यह ज़रूरी है कि आप पहले बच्चे को सिखाएं कि वास्तव में प्रतिस्पर्धा क्या है। आमतौर पर बच्चे दूसरे बच्चों या फिर बाहरी दुनिया से कंपटीशन करते हैं और जब वह फेल होते हैं तो उसके मन में नकारात्मकता या जलन की भावना पैदा होती है। इसलिए पहले उन्हें समझाएं कि प्रतिस्पर्धा सभी के लिए लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने के बारे में है। मसलन अगर स्कूल में कविता कंपटीशन है, अगर वह पार्टिसिपेट कर रहा है तो फिर घबराहट के कारण वह सही तरीके से कविता नहीं बोल पा रहा और दूसरा बच्चा फर्स्ट आया तो बच्चे को उससे जलन की भावना नहीं रखनी चाहिए, बल्कि वास्तव में कंपटीशन तो यह है कि वह खुद के लिए ही गोल सेट करे और लगातार अभ्यास से वह कविता पाठन अच्छी तरह से करना सीख जाए। इससे जब वह खुद के लिए तय किए गए गोल्स को पूरा करता है तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि उसे बाहरी दुनिया में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। आमतौर पर बच्चे समझते हैं कि अगर वह किसी कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं तो उनके लिए जीतना बेहद महत्वपूर्ण है और अगर वह ऐसा नहीं कर पाते तो उनके मन में नकारात्मकता बढ़ती है। इसलिए बतौर पेरेंट्स आपको बच्चे की जीत व हार के मायने सिखाना बेहद ज़रूरी है। उन्हें समझाएं कि अगर उन्होंने किसी कंपटीशन में हिस्सा लिया है तो वह प्रथम नहीं आए तो इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि उनमें कौशल नहीं है। कंपटीशन तो उनके प्रयासों से निर्धारित होता है, रिजल्ट से नहीं। अगर वह सच्चे दिल से मेहनत करते हैं और अपनी उम्मीद के अनुसार परफॉर्म करते हैं तो यह उनकी सच्ची जीत है। दूसरों से तुलना मन में नकारात्मकता बढ़ाती है। अक्सर ऐसा होता है कि जब बच्चा जीतता है तो उसे बड़े स्तर पर सेलिब्रेट किया जाता है, जबकि बच्चे के हारने पर माता पिता उदास हो जाते हैं, जिसके बाद बच्चे के मन में यह बात बैठ जाती है कि प्रतिस्पर्धी युग में जीतना बेहद ज़रूरी है, भले ही उसके लिए कुछ भी करना पड़े। इस तरह बच्चे अनहेल्दी कंपटीशन की तरफ बढ़ते हैं। इसके बजाय आप बच्चे के प्रयासों की सराहना करना और उसे सेलिब्रेट करने की आदत डालें। मसलन अगर आपने बच्चे के लिए एग्जाम में 70% अंक लाने का गोल सेट किया था और वह 75% अंक लेकर आया लेकिन क्लास में पोजीशन होल्ड नहीं कर पाया तो उदास होने के स्थान पर आप उनके प्रयासों और गोल्स को पूरा करने का सेलिब्रेशन करें। इससे बच्चे को यह एहसास होगा कि फर्स्ट आना ही सब कुछ नहीं है, बल्कि सच्चे दिल से किया गया प्रयास कंपटीशन को हेल्दी बनाता है। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी इस वीडियो को देखे वो भी अपने बच्चों को हेल्दी कंपटीशन के लिए तैयार कर सके। धन्यवाद दोस्तों।